के बारे में भी क्या है? I think it's husband. They'll drive me crazy. कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे. सो आज के दिन में क्या चल रहा है? आज के दिन का अंत हो चुका है एंड हम पहुंच चुके हैं मुन्नार केरला में. हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और रास्ते में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या किया वो सारा कुछ देख के आए. उसके बाद हम अब के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो रहा है. चुके हैं टैक्सी में. ये टैक्सी है हमें लेके जाएगी केरला तमिलनाडु से कोयम्बटूर से. और हमने हमारे ड्राइवर को कहा था कि हमें ना कोकोनट की अच्छी सी जगह पे रोकना. उन्होंने रोका है. हस्बैंड वहाँ से पिक करने वाले हैं कोकोनट. एंड जो हमारा ड्राइवर है ना ये एक्चुअली पंजाबी बैकग्राउंड से है बट है ये तमिल. मैंने ना एक बार एक वीडियो देखी थी कि जो लोग यहाँ पे काले पानी की सज़ा के लिए आए थे ना 100 years पहले, तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम यहीं पर रह लेंगे क्योंकि वो काइंड एम्बेरस थे या फिर उन्होंने सोचा कि यार अब ज़िंदगी इधर ही है कितनी देर इधर रहेगी. जो शादीशुदा थे उन्होंने अपनी फैमिली को बुला लिया वहाँ से यहीं पर रहने के लिए और जो अकेले सिंगल थे उन्होंने यहाँ की लोकल लड़कियों से शादी कर ली. तो ही इज़ वन ऑफ देम. एंड इन्होंने बताया, मैंने उसको बताया कि मुझे पता है, मैंने ना कुछ ही दिन पहले इसके बारे में पढ़ा था. कह रहा है कि हमारी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज़ हैं और हम लोग यहीं पर रह रहे हैं और हम पंजाबी हैं और इनके नाम भी ना सारे पंजाबियों वाले हैं. थैंक यू मम्मी. दिस इज माय, इट्स सो परफेक्ट मम्मी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. सो नाइस मम्मा. दे इवन मेड दिस होल. वी ऑलमोस्ट फिनिश. गाइस यहाँ पे ना मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि स्ट्रॉ मोस्टली हर एक के पास पेपर की है. गाइस यू नो नाउ आई लाइक कोकोनट वाटर नाउ. हनी गाली मलाई कढ़ावा. सो या वो बता रहे कि हमारे ना हंड्रेड्स ऑफ फैमिलीज हैं जो कि हम लोग सारियों के बैकग्राउंड पंजाबी है बट कह रहा कि हमारे दादा पंजाबी थे. उन्होंने कन्नड़ लेडी से शादी करी एंड देन मेरा पेरेंट्स हैं उसके बाद हम हैं और हम लोगों को पंजाबी आती नहीं है समझ में क्योंकि कोई भी बोलता नहीं था. पर कह रहा कि ये है कि मैं पंजाब जाना चाहता हूँ गोल्डन टेम्पल एंड मैंने सारे बच्चों के नाम भी पंजाबी रखे हैं. उसके बेबी बच्चे का नाम उसने गोविंद सिंह रखा है एंड बड़े बेटे का नाम यशवंत सिंह है. And he was very happy कि आप पंजाबी हैं मैं भी पंजाबी हूँ. थैंक यू वन डे आई विल विश एंड या दैट्स अबाउट इट. वेरी नाइस राइट गुड स्टोरी. ओके सो हियर इज हिम्मत एंड ये है एक प्यारे से गांव में केरला के पति एंड हम लोग पीने वाले हैं. ओके सो हमने ये ब्रेक ली है थोड़ा सा खाना नहीं चाय पीने के लिए. कॉफ़ी ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कड़वी एंड अजीब सी लग रही है तो मैं कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ. इनकी चाय भी बहुत अच्छी है एंड वो अच्छा है कि ये बहुत ही अच्छी छोटी सी क्वान्टिटी देते हैं. एंड हिम्मत पीने वाला है मिल्क शेक एंड तो ये कॉफी पीन दे ना तो नु कॉफी चाह तो ज्यादा बढ़िया लगन दी. क्यों कॉफी चाय भी काफी मजेदार कॉफी के मुकाबले की है. काफी कड़वी है
कई प्लेसेस पे मैंने ट्राई की पी नहीं सकते हैं, नहीं ज़्यादा बिटर होती है, बिल्कुल ज़्यादा कॉफ़ी पीने Say hi to my video. Hi. Say something. Look at that random cutie. Just chilling. The random cutie. Crossing the street. Mm-hmm. Coming to kill you. Sure, let's speak for less coffee. Thank you. I don't know ये चाय कैसे बनाते हैं, चाय का टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी के जैसे ही बिटर, पर यार ये अच्छा है कि ये चीनी कम हो तो कम ही करते हैं, हमारे कम भी को ना ता भी ज़्यादा ही कर देते हैं। हमने अब एंटर कर लिया है केरला के अंदर और यहाँ से माउंटेन्स शुरू हो गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। एंड हमारी गाड़ी वाले ड्राइवर ने ना एसी बंद कर दिया, अगर आप विंडोज खोल लो क्योंकि बाहर बहुत अच्छा और ठंडा मौसम होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और मौसम लश ग्रीन। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, फॉक्स हैं एंड टाइगर भी है, अगर आप लकी इनफ हो आपको दिख सकते हैं। एलिफेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली दिख जाते हैं, टाइगर इतने ज़्यादा नहीं, और दिन में क्या वो सुस्त होते हैं ना खा पी के तो एंड वो सो जाते हैं, राइट। One place, madam, fish fry to give. Okay, madam, that waterfall nearby. It's very good tasty. No, sir, we are on the way. On 60 kilometers. Selling ponda. Boda and ponda. Wow, kitna na. Old woman is giving na, madam. Very tasty, madam. Yeah, ammas make the best. That's hand. Yeah, home cooked. That's it. Okay, so हमने ये लिया है, एक इसको बोलते हैं ponda,
और एक बहुत ही ओल्ड लेडी सेल कर रही थी, और हमारे ड्राइवर ने बताया कि जो ओल्ड लेडीज़ बनाती है बहुत ही अच्छा बनाती है, क्योंकि कितने सालों का एक्सपीरियंस होता है। ट्राई दिस थिंग, अनियन। हस्बैंड लेके आए हैं बोलते हैं बिद्दू बनाना, कह रहे कि ये लोकल है एंड बहुत ही डिलीशियस है। बहुत कितना का मीठा? शुगर फ्री सर। शुगर फ्री, वेरी गुड टेस्टी सर। सो ट्राई करते हैं कैसा लगता है हमें। वेरी नाइस। इधर साडे को ही है, ओ ये मनु को आए। Understand why these things on my mind keep me up at night. Mimi, idro. Idro. Himmat. Mimi, you want something? Himmat, aa. I'm going to talk to you. Chalo. मट्टी 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 रंड टू पीस हियर डैम फिश इज वेरी टेस्टी ओके दिस इज अदर दिस इज टू टू डैम फिश वेरी फ्रेश फिश ओके यस्टरडे नाइट कैचिंग कमिंग हियर क्वील व्हाट इज इट क्वील क्वील कॉइल क्वील कॉइल नो उल्टा फिश ओके कितने पीस की दा ऑर्डर करना कुछ बोलो हाउ मच लाइक पीसेस 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 सच्ची आज वाला कोड करते थे मिस्टर गणेश इज वेरी गुड वाड़ा ड्राइवर ही इज मेकिंग अस टेस्ट सो मेनी थिंग रैंडम थिंग्स ये गाइड ही बन गया सादा ओ ही इज वर्किंग इन द स्टोर नाउ हेल्पिंग द लेडी सो ये जो फिश है ना ये आज ही डैम से पकड़ी है और ये फ्रेश है और ये बना के देंगे एंड मिस्टर गणेश ने हमें रेकमेंड किया है कि ये बहुत कितने कितने खानी है एक एक पीस नो टू मेनी ओनली वन पीस टू पीस एम आई एम वन पीस हां अभी वन 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 सो तीन बस हो जाता है थ्री सो फाइव हां यानक थ्री पीस नॉट ईट वन मोर यू You eat one more. No problem. You no, are in no, your no, place. No, one more for him. No, 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 no. No, no, no. Bus, bus, bus. Let's, yeah. Okay. सारा सामान बना के देते हैं मैगी वन ठीक है पेकार को इकार मटा और इन ना पेट से इंदा ना ना ने तो और कर दे बोल हां ये ही पाक कच्ची ओके गाइस तो यहां पे ये पानी का वो वाटरफॉल एंड वाटरफॉल के कंडे पे ये बना है बहुत ही ज्यादा सिंपल किस्म का रेस्टोरेंट मैगी इज कैलरा नम 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 बट इन कैलरा स्टाइल सो हिम्मत ये मैगी को देख के खुश हो गया कि मैं बस वो देखता हूं हेलो मैंने साइड पे वॉक कर साइड पे
मिमी साइड से वो वॉशरूम आनी है किधर दिया कितनी टाइम ओके सो हम लेने वाले हैं 5 मिनट की ब्रेक. यहाँ पे ना वाटरफॉल है वहाँ पे. ऑलराइट दोस्तों तो हमने यहाँ पे एक ब्रेक ली है. वहाँ पे दूर एक बहुत ही प्यारा पानी का झरना है एंड यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार मौसम है और हमने सोचा कि यहाँ पे 2-4 पिक्चर्स क्लिक करते हैं एंड अब हम हमारे ड्राइवर की हेल्प लेंगे. तीनों जाने भी खींच लेंगे एक फोटो है ना बहू. या सो सही नहीं वो झरने की आवाज़ यहाँ तक आ रही है ना. लगता काफ़ी दिखदा सिंपल भी है. ये खूब सारी स्टेयर्स उतर गए. यहाँ पे वॉशरूम है. हेमाटोलॉजिस्ट यूज़ कर रहा है और भी कुछ किसी को घर लग रहा है मुझे. और हेमाटोलॉजिस्ट शहर में एक कौन सा मिला है आपका हम पी पेंगे कुछ खाना खाएंगे. और यहाँ पे बहुत सारे नॉन चेंजिंग मिस्टर तमला घर में कभी हाथ से खाते नहीं है. कोई एक निकी ही चीज़ भी नहीं चाह गए कोई. नाउ इज ईटिंग लाइक ईटिंग लाइक अ मॉन्स्टर. तू को खाओ मन पांदा पाओ जग पांदा ऐसे मन पांदा इधर ही हो. सो गाइस मैंने आपको बताया ना कितनी बार कि मेरे हस्बैंड के अंदर एक साउथ इंडियन छुपा हुआ है. आज वो बाहर निकल गया है. देखा कि परफेक्शन के साथ खा रहा है हाथ के साथ कचोला करके. माला ने तुझे हंडिया पा ली.
गाइज आपको पानी की आवाज़ सुन रही है, ये ना रिवर है एंड यहाँ पे नन्ना सा फॉल है। इतना सोना है ना, माय गॉड आई रियली लाइक इट। तो मुझे सैड फील हो रहा है कि कल हम इतनी ज़्यादा साइट सीन करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे। तो ये बालकनी है सामने माउंटेन एंड ये हमारा बेड है। जब सुबह उठेंगे सीधा व्यू माउंटेन एंड ये पानी की आवाज़ सो खूबसूरत। 9 बजे वहाँ पे कैंप फायर होने वाली है, वहाँ पे लेके जाऊँगी मैं आपको। सो हम लोग हैं ये बहुत ही प्यारे से मुन्नार के एक कॉटेज होटल में जो कि एक रिवर बैंक पे है, बहुत खूबसूरत है। मैं आपको सुबह दिखाऊंगी, मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश की है बिकॉज हम थोड़ा अंधेरे में पहुँचे हैं तो बहुत क्लियर व्यू नहीं है, सुबह आपको ज़्यादा पता चलेगा। एंड हस्बैंड अब थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए गए हैं क्योंकि बहुत मज़ेदार, थोड़ा लिटल सा चिली मौसम है पर आप टी शर्ट के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। जब वो वापस आएंगे तो मोस्ट प्रॉबली हम लोग जाने वाले हैं देखने के लिए कैंप फायर, क्योंकि यहाँ बहुत प्यारा सा एरिया जहाँ कैंप फायर होती है एंड सारे लोग अराउंड बैठते हैं एंड चिट चैट करते हैं या यू नो गाने वाने कुछ भी होते सारे लोग अराउंड बैठ के थोड़ा मज़ा एंड इन्जॉय करते हैं वेदर को एंड फायर को। वो मैं ज़रूर से करना चाहती हूँ। वो 9 o'clock होगा, अभी 7:30 हुए हैं एंड मैं मेरे लिए बनाने वाली हूँ एक चाय का कप क्योंकि बुरी तरह थक चुकी हूँ। एंड यहाँ पे जो आप चाय पीते हैं ना, जैसे मैंने आपको अर्लियर दिखाया कि बहुत गड़वी सी है, पता नहीं चलता है कि चाय है या कॉफ़ी है। पर लास्ट टाइम जब जो हमने थोड़ा सा मील खाया था मुन्नार सिटी में, उनकी चाय अच्छी थी। पर अब मैं मेरे स्टाइल में बनाने वाली हूँ सिंपल इंग्लिश टी एंड उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करूँगी एंड देन हम कैंप फायर देखने के लिए जाएंगे। और मेरा केरला के बारे में भी क्या है, ओके सो हस्बैंड आ चुके हैं घर वापस खाने खवार होके। ओके सो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, चाय के बाग मैंने पहली बार देखे एंड बहुत ही प्यारी माउंटेन्स हैं एंड मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे एंड सो फार सो नाइस। सो ये हमारी कॉटेज है, एक और कॉटेज है इसमें। सो कैंप फायर शुरू हो गया लग रहा, म्यूजिक भी चल रहा है। वेट 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 फॉर डैडी। यहाँ पे राइड्स है तो फिर मैंने राइड लेनी शुरू कर दी। पर कैंप फायर क्या प्रॉब्लम मुझे ये लगी है, म्यूज़िक नहीं मैंने पसंद है, बहुत ज़्यादा लाउड है और कुछ लोग बैठे थे चले गए। म्यूज़िक ना पीसफुल होना चाहिए, पीस वाला। अरे दाना ना लाया मैं, पता नहीं किए ही टू लाउड। सो यहाँ म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है। ओके सो हम लोग जा रहे हैं वापस रूम में क्योंकि म्यूज़िक नहीं मैंने पसंद है, बहुत ज़्यादा लाउड है। और वैसे ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है कि आग सेकने की ज़रूरत पड़े, सो बिना आग के चलेगा। सो ओके दोस्तों, तो आज ही इस व्लॉग का होता है एंड, कल मिलते हैं आपको नई जगह पे नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं मिलूंगी कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, इजी पीजी।